प्रेस क्लब के इलेक्शंस जो हैं वो इस समय अभी भी चल रही है, पोलिंग अभी भी चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, इस समय सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बता दें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ के मेंबर रहे हैं, अभी भी मेंबर हैं और यहाँ पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सामने आप विजुअल्स में देख रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये सिविल सोसाइटी की मीटिंग है। सिविल सोसाइटी को मजबूत होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक समय पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद जो है, अगर मैं बता दूँ तो वो जर्नलिस्ट रहे हैं और यहाँ पर एक जर्नलिस्ट का कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि बातचीत की जा सके, कि आखिरकार अभी सवाल कितने होंगे, जवाब कितने होंगे, क्योंकि यहाँ से अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। सामने विजुअल्स में आपको बताने की कोशिश करें इस समय। सामने विजुअल्स में देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो इस समय सामने आए हैं इस वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा अगर जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये है कि आखिरकार इस समय कौन जीतने वाला है, कौन नहीं, कौन किसके बारे में बातचीत करने वाला है, कौन नहीं। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आना ये ज़रूर बताया जा सकता है कि एक बहुत बड़ी इस समय अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर इलेक्शन ज़रूर चल रही हैं जिसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है और वो ज़रूर माना जा सकता है। इस समय कहीं ना कहीं सुबह से ही वेट किया जा रहा था कि कब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहाँ का मेंबर होना, मेंबर होने के साथ साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट करना अति आवश्यक था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर अभी आप देखने की कोशिश करें, मेरे पास ये पूरी की पूरी डिटेल है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन है। और वहीं पर सामने आप देखिए मेंबर्स नेम में सबसे पहला प्रबोध जम्वाल, दूसरा मिस्टर जोरावर सिंह जम्वाल, तीसरे मनु श्रीवास्तव, चौथे दिनेश मल्होत्रा, सेवेंथ नंबर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी नाम यहाँ पर शामिल था। यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात ज़रूर मानी जा सकती है, सिविल सोसाइटी को मजबूत करने की बात मानी जा सकती है। अब वो किस तरीके से यहाँ पर इस इलेक्शंस को देखते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान होगा, क्योंकि अभी वो वोटिंग करने के लिए अंदर गए हैं, बाहर आकर वो किस तरीके से देखते हैं इन इलेक्शंस को, उस पर बातचीत करना अति आवश्यक होगा। क्योंकि किस समय पर क्या चीज़ें जर्नलिस्ट को मिलनी चाहिए ये चीज़ वो खुद भी जानते हैं एज अ जर्नलिस्ट, पर अभी तक जम्मू कश्मीर में वो नहीं मिला। एज वो एमपी हैं, पीएमओ भी हैं और सबसे बड़ी बात पीएमओ ऑफिस में बैठकर वो जर्नलिस्ट के लिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बट स्टिल अभी तक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। पर हाँ, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या कुछ यहाँ पर बातचीत हो रही होगी, यहाँ पर किस किस तरह के कौन कौन से मैनिफेस्टो जो हैं वो दिए होंगे, जिस पर उनको लगा होगा कि हाँ इस तरह की बातचीत जो है वो ज़रूर की जा सकती है, तो क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन मसलों को भी लाइमलाइट में लाएंगे, हाईलाइट करेंगे, बातचीत करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान ज़रूर होगा। क्योंकि इस समय अभी भी इलेक्शन चल रही हैं, रात के समय तक ही पता चल पाएगा काउंटिंग के बाद कि आखिरकार कौन जो है, कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है। दो टीम इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही टीम्स काफ़ी मजबूती से पार्टिसिपेट कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अप्रोच किया है, क्या वो काम करवाने वाली हैं। एक टीम में से कुछ मेंबर्स वो भी हैं जो पहले भी, अगर मैं बता दूँ कि मेंबर्स रहे हैं इसी प्रेस क्लब के, और अप्रॉक्सीमेटली 7 सालों के बाद ये इलेक्शन हो रही है, 7 सालों के बाद कितना कुछ चेंज जो है वो देखने को मिलेगा, अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है निशान ज़रूर है। पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मैटर को किस तरीके से देखते हैं, जर्नलिस्ट के मैटर को किस तरीके से देखते हैं, चाहे मैं जर्नलिस्ट में, अब जिस तरह से हमेशा ही बात करती हूँ मीडिया कर्मी में हमेशा ही बात करती हूँ, चाहे वो वीडियो जर्नलिस्ट हों, रिपोर्टर्स हों, एंकर्स हों, या फील्ड में हों या ना हों, इसके अलावा अपने ऑफिस में बैठ कर काम कर रहे हों, कलम जिनके हाथ में हो, माइक जिनके हाथ में हो, या फिर अगर माइक जिनके हाथ में हो, ये कहीं ना कहीं इस समय पता चलेगा कि आखिरकार होने क्या वाला है। क्योंकि इस समय अभी भी सामने आप देख लीजिए इलेक्शंस चल रही हैं और इलेक्शंस का जो भी रिजल्ट आएगा वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पर हाँ, अभी के लिए यही है कि वोटिंग करने के लिए यहाँ पर खुद पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि वो भी यहाँ के मेंबर ज़रूर रहे हैं। सुबह से उन्हीं का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा था कि आखिरकार वो कब यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना अति आवश्यक
होता है और होना भी चाहिए। अगर कोई यहाँ का मेंबर है उसको एज सून एज पॉसिबल यहाँ पर आकर वोट डालने चाहिए, ताकि पता चले कि आखिरकार कौन सी सिविल सोसाइटी जो है वो लोगों को लीड करने वाली है, कौन सी सिविल सोसाइटी है जो मीडिया फर्टिनिटी को लीड करने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं कई सवाल तो हैं, पर आखिरकार अब उन सवालों के जवाब के दिए जाएंगे, जब भी सवालों के जवाब दिए जाएंगे आप तक पहुँचाए जरूर जाएंगे। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और रोई जी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।